हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में रजनीस किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मैंगो केक। ये जो हम मैंगो केक बनाएंगे, एक छोटे से ट्विस्ट के साथ बनाएंगे, जिससे आपका मैंगो केक काफ़ी अच्छा बन के तैयार होगा और आपको खुद डिफरेंस दिखेगा कि क्या डिफरेंस है इस छोटे से ट्विस्ट का। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स मैंगो ग्लेस बनाएंगे, जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है इसमें। हम केक में सिंपल, हम इसमें आम की प्यूरी नहीं डालेंगे, हम उसको पहले भूनेंगे। तो इसके लिए हमने आम की प्यूरी बना के रख ली है, जैसे आप देख रहे हैं। तो अब हमने एक कढ़ाई में मैंगो प्यूरी डालेंगे, फिर हम उसमें 1 से 2 चम्मच चीनी डालेंगे। फिर हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, जब तक चीनी अच्छी तरह पिघल नहीं जाती और ये एकदम जेली टाइप ना बन जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अब चीनी भी अच्छी तरह पिघल चुकी है। तो अब हमने इसे ठंडा करने के लिए एक कटोरी में डाल के रख लेंगे साइड में। अब हम केक की तैयारी करेंगे मेन। अब हम उसी मिक्सी जार में 2 अंडे डालेंगे, उसी के साथ 1 कप शुगर डालेंगे और उसके साथ 1/2 कप मेल्टेड बटर। आप बटर की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने इसे अच्छे तरह मिक्स कर देना है मिक्सी ग्राइंडर में। फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसके लिए हमने 1 कप मैदा लिया है और उसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/3-4 टीस्पून सोडा डालेंगे, बेकिंग सोडा, जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं। फिर जो हमने अंडा, चीनी और बटर की मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बनाया था, हम वो डालेंगे मैदे में और उसी के साथ मैंगो ग्लेस जो हमने पहले बनाया था, और उसके साथ 2 से 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो में ट्विस्ट था, केक की रेसिपी में ट्विस्ट था, वो मैंगो ग्लेस का ही ट्विस्ट था। आपको खुद डिफरेंस दिखाई देगा जब आप बनाएंगे। जब आपका केक बनके तैयार हो जाएगा, आपका केक काफ़ी शाइन करेगा, क्योंकि वो मैंगो ग्लेस की वजह से शाइन करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैटर अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, अब हमने केक के कंटेनर में डाल देना है, जिसे हमने पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ था। अब हम उसमें टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल करेंगे ऊपर से, ऐसा आप इसके हर जगह टूटी फ्रूटी डाल दें। उसी के साथ हम इसमें थोड़े से काजू भी डालेंगे। आप कोई और ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हैं, आप किशमिश या बादाम भी डाल सकते हैं। तो अब ये तैयार है बेकिंग के लिए। तो अब हमने एक पैन में रेत को पहले से ही 15-20 मिनट पहले ही हमने उसको गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब हम उसमें वो बैटर डाल के उसको ढक के रख देंगे कुछ 40 मिनट्स के लिए। तो आप इसको 30 मिनट्स बाद आप इसे ज़रूर चेक करें कि ये पका कि नहीं पका, क्योंकि इसे 30-40 मिनट्स के आसपास लग जाता है केक को बनाने में। तो हम एक बार 30 मिनट्स में भी चेक करेंगे। जैसे कि अभी केक बनके तैयार नहीं हुआ, स्टिक अभी क्लियर नहीं निकली, तो हमने 40 मिनट्स के बाद देखा, तो हमारी स्टिक अब अच्छी तरह साफ निकल रही हैं। तो इसका मतलब हमारा केक बनके तैयार हो चुका है। अब हम उसके नाइफ की हेल्प से कॉर्नर्स को गोल गोल घुमाएंगे, जिससे जहाँ केक चिपका होगा तो वो आराम से निकल जाएगा। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि केक अब हमारा अच्छी तरह बनके तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चेरी भी सर्व कर दी है, जिससे देखने में अच्छा लगे। तो अब मैं आपको काट के दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है और उतना ये टेस्टी भी है। ये देखिए, एकदम ब्रेड जैसी सॉफ्ट है ये केक और अंदर से कितना अच्छी तरह पका है। सो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।